में छह दिनों के लिए एक बात कही थी, पहले भी कहानी आपके मैं कुछ आप लोगों को पढ़ाने आ रहा हूँ, पढ़ाने आ रहा हूँ। तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाने नहीं आ रहा, मैं पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ। हम और आप और बाकी सभी साथी लोग मिलकर साथ साथ पढ़ेंगे, ये बात एक तो कहना चाहता हूँ। जैसे क्लास में आपके शिक्षक आते होंगे, पढ़ाते होंगे, आप लोग भी आपस में बैठ के साथ साथ पढ़ते होंगे, कभी घर पे या कभी ग्राउंड में, दोनों तरह से चलता है। तो जब शिक्षक आते हैं तो बोर्ड पे कुछ बताते हैं, आप लोग चर्चा होती है तो आप कहते नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप और आपके मित्र बैठ के ग्राउंड में घर पे जब पढ़ते हैं तो आप दूसरे दोस्त को कुछ बता रहे होते हैं, दूसरा दोस्त आपको भी कुछ बताना होता है, ऐसे होता है ना। तो वहाँ भी तो पढ़ना पढ़ाना ही चल रहा होता है, लेकिन कोई किसी को पढ़ा नहीं रहा होता है। क्या चल रहा होता है? साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, आपस में चर्चा होती है तो उसमें एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं कि साथ साथ पढ़ रहे होते हैं। क्या कर रहे होते पीछे से पूछो, कोई जब दो दोस्त मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं घर में या गाँव में, तो कोई किसी को पढ़ाता है या दोनों साथ साथ पढ़ रहे होते हैं? तो एक बात तो ये सोच लिया था कि अब छह दिन हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, क्या करने वाले, साथ साथ कुछ पढ़ने वाले, बल्कि मैं इसको और ठीक करता हूँ, साथ साथ पढ़ने वाले भी नहीं। तो क्या करने वाले, कॉलेज आपके स्कूल में कितने लेक्चर चलते हैं, कितने घंटियाँ चलते हैं, कितने पीरियड चलते हैं, और बीच में लंच का ब्रेक भी लेता होगा तो उसको जोड़ लें तो सात, सात पीरियड में सबसे अच्छा पीरियड कौन सा लगता है? लंच अच्छा नहीं लगता लंच वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मैथ वाला लगता है, मैथ लंच वाला कितने लोगों को अच्छा लगता है? तो प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि लंच का पीरियड आज से खाना उसमें एक पीरियड मैथ का और बढ़ा दिया जाए, बढ़िया जाएगा। सबकी सहमति, इसमें कितने लोगों की सहमति का हाथ है कि आज से लंच खत्म हो जाए, मैथ पढ़ाए जी। आपको देखो मैं बता देता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे छह पीरियड और लंच मिला के सबसे अच्छा जो लगता था वो कौन सा वाला? लंच। मेरे को तो लगता था अच्छा लगता, क्यों अच्छा लगता था? इसलिए अच्छा लगता था कि उसमें बहुत बंधन भी नहीं महसूस होता था, हम अपने मन की बात बिना किसी दबाव के, बिना किसी झिझक के कह पाते थे, अच्छा लगता। जब दबाव होता है बोलने से पहले तो सोचना पड़े क्या कहेंगे सामने वाले, इतने सारे लोग बैठे हैं, कई लोगों को गलत तो ना लगेगा, ये जब सोचना पड़ता है तो एक दबाव आता है तो अच्छा नहीं लगता। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में रहते हैं, घर जाते हैं तो घर जाते ही एक रिलैक्स फील होता है, जबकि यहाँ भी आप बैठे हैं दोस्तों के साथ में, टीचरों के साथ में, घर में भी जाके किसी न किसी के साथ में ऐसे ही बैठे हैं, तो घर बैठे किसी को बैठे ऐसे, लेकिन वो रिलैक्स क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ आपको बहुत इस बात का दबाव नहीं रहता है कि क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, जैसा भी लगता है बोल देते, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। क्या नाम आपका? ऐसे ही होता है, जब आप घर जाते हैं तो अच्छा लगता है, खराब लगता है? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कोई दबाव नहीं रहता, खुल के जो लग रहा है कह सकते, डर इस बात का खत्म हो जाता है कि जो हम कह रहे हैं सामने वाला है उसको हम गलत मानेगा कि सही मानेगा, हमको अगर हमारी तारीफ करेगा कि बुराई करेगा, तो दबाव हट जाता है, अच्छा लगता है। तो अगले छह दिन तो हम लोग बातचीत करने वाले हैं, हमने कहा हम लोग पढ़ाई नहीं करने वाले हैं बल्कि साथ साथ पढ़ने वाले हैं, फिर हमने कहा कि हम पढ़ने वाले भी नहीं हैं बल्कि क्या करने वाले हैं, आपस में चर्चा करने वाले हैं। और वो चर्चा भी इस तरह से किया जाए कि आपको भी कोई डर ना रहे कि हम जो कह रहे हैं उससे क्या मानेंगे, क्या सोचेंगे, नंबर तो कम नहीं हो जाएगा, हमारे बारे में गलत आ गई तो नहीं, वो सब हटा दी। जैसे दोस्तों के साथ खुल के बात करते हैं, सही गलत जो लगता है आप खुल के कह दो,
वैसा खुल के हम भी कहेंगे, खुल के आप भी कहें ऐसी अपेक्षा है। इस विधि से बातचीत करना ठीक हो ठीक है ना। तो जैसे मैं कुछ बात कह रहा हूँ, आपको लगे कि नहीं आप जो बात कर रहे हो उसको ठीक नहीं लगा, आपने बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमसे बड़े हैं कि बात को कैसे काटे, इनका अपमान हो जाएगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। आप एकदम हमको बीच में रुके, नहीं नहीं हम तो आपकी बात करेंगे। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि एकदम आप मेरे व्यवहार में कोई बदलाव नहीं पाए, बस तो सब क्या पूछो तो पता लगेगा कि दोस्ती पक्की हुई, उससे पहले दोस्ती पक्की नहीं थी ना। अगर आप दोस्त को गलत पे गलत ना कह सके तो दोस्ती नहीं, दोस्ती का दिखावा है। नहीं दोस्ती तो तभी पक्की ना जब हम आपकी सही बात को भी कह सके सही और गलत बात को भी कह सके, उससे पहले तो दोस्ती झेलनी पड़ रही है। दोस्ती भी आप अपनी जिंदगी में देखेंगे ना तो बहुत सारी दोस्ती लोगों से हो गई, बहुत जगह दोस्ती झेल रहे हैं। कैसे झेलते हैं, उससे दो हफ्ते के नोट्स ले रहे हैं, एक हफ्ते दोस्ती झेलनी पड़ेगी। अब ये दोस्ती जी रहे हैं कि दोस्ती झेल रहे हैं, दोस्ती हो रही है उसका निशान क्या है। हमको आपकी बात तो सही लग रही है, जो गलत लग रही है उसको आप भी जो गलत है उसको देखेंगे ठीक लगेगा, ठीक करेंगे, कहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारी आपकी दोस्ती हो गई, उसका पहचान तो तभी होगा जब आपको लगेगा इस बात का कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप कह दें कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं। उसी दिन मुझे समझ में आएगा कि हमारी आपकी दोस्ती हो गई। और मैं आपको बता दूँ, मेरे बड़े उम्र के लोग कम दोस्त हैं और मेरे से छोटे उम्र वाले ज़्यादा दोस्त हैं। आप लोगों की दोस्ती होने की संभावना है नहीं? मेरे तरफ से तो है, इधर से बड़ी आवाज कम आ रही है, आप लोग भी दोस्ती चाहते हैं नहीं? तो दोस्ती की पहचान तो कभी होगी जब आप कह दें कि नहीं आप जो कह रहे हैं हमको इसमें इतना सही लग रहा है इतना, और मैं एकदम फ्री रहता हूँ, हमारा उससे कोई अपमान नहीं, उससे पलट के हमें एक भी बच्चे को डांट दिए। आपको लगे हम कहीं गलत बोल रहे हैं आपको डांटना लगे डांट दिए, क्या छोटे बच्चे गलत को डांट सकते हैं? बड़े चाहे कितनी गलती करते हैं, अच्छा बड़े गलती करते हैं नहीं करते? गरीब क्या गरीब लोगों का क्या होता है, बड़े भी गलती करते हैं नहीं करते? क्या उठी अगर बड़ों को भी गलती लग रही तो बच्चे कह सके या मनी में दबाए कोशिश करूंगा आपको कम से कम लिखना है, कभी बातचीत अच्छे से होगी तो एक और प्रश्न पूछेगा। आप लोगों ने अपने उम्र के बच्चों के साथ भी खेला कूदा समय बिताया है, अपने से छोटे उम्र के भी कुछ, बहुत बड़े उम्र के भी, जाती के दोस्तों के उनके लोगों को भी देखा होगा, कौन ज्यादा हंसते हैं छोटे उम्र वाले या बड़े उम्र वाले? तो हम आप लोगों से कुछ सिखाने भी आए होंगे हो सकता है, लेकिन ये भी सीखने आए हैं कि आप लोग खुश कैसे रहते हैं दिन भर में जितना आप हंस लेते हैं बड़े उसका दसवां हिस्सा देते हैं, और आपस में झगड़ा होने के बाद जितनी जल्दी दोस्ती आपकी हो जाती है बड़े लोगों की उतनी जल्दी दोस्ती क्या हो पाती है? और कई बार नहीं होती, और कई बार बड़े लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा और उनका झगड़ा हो गया आपको उनको भी नहीं जाना है। तो आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्या कि आप लोग इतना खुश कर सकते हैं आपस में दोस्त के साथ में झगड़ा हुआ तो शाम तक कैसे वापस ठीक हो जाता है और दूसरे दिन से दूसरे को पता भी नहीं चलता कि झगड़ा भी हुआ था, ऐसा बहुत कुछ आप लोगों से सीखने मिला। तो दो दोस्त
एक ही दूसरे को सिखाता है या दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं? आपको कुछ लग रहा है कि नहीं बहुत कुछ सिखाने वाला आपके पास भी? यस सर। तो हम सिखाने के लिए आए हैं, एक दूसरे से सीखने आए हैं। ये बात भी स्पष्ट हो गई? यस। और आगे बढ़ा जाए। अब तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जैसे थोड़ी थोड़ी देर पहले बात हुई थी आप लोगों की आठवीं क्लास में, तो आठवीं क्लास में जब आए होंगे तो आप लोगों का एक लक्ष्य बना होगा, एक लक्ष्य बना होगा कि भाई आठवीं क्लास में इस साल का एक लक्ष्य, क्या लक्ष्य बना हो? अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि अच्छे नंबर से आठवीं क्लास पास हो जाए। साल भर बाद यानी अप्रैल से दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, फिर क्या लक्ष्य बनेगा? अच्छे से पढ़ाई करना है जिससे नाइन्थ क्लास पास। साल के बाद क्या लक्ष्य बनेगा? दसवीं क्लास पास। दसवीं क्लास के दो साल बाद क्या लक्ष्य बनेगा? अच्छे से पढ़ाई करना है जिससे ट्वेल्थ पास, है ना? तो हर साल का कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी का क्या हर साल कुछ ना कुछ आपके लक्ष्य, लेकिन जिंदगी का पहले साल से लेकर के 80-90-100 साल तक आदमी जीता है उसका क्या लक्ष्य? मेरा प्रश्न स्पष्ट हो रहा है? छठी क्लास का एक लक्ष्य था, सातवीं का था, आठवीं का था, दसवीं का होगा, बारहवीं का होगा, होगा ना कुछ लक्ष्य? हमारी जिंदगी का तो कुछ लक्ष्य होगा, आप लोगों के भी जिंदगी का कुछ लक्ष्य होगा ना? क्या लक्ष्य है वो थोड़ा जानना है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या लक्ष्य, थोड़ा बताएंगे मैं इसके लिए? तो इनका कहना है कि हमारा लक्ष्य है आगे बढ़ना। एक लोगों का तो लक्ष्य है लाइफ में कुछ करना, तो लाइफ में है या जीवन में है ना, जीवन में कुछ करना और डॉक्टर फर्स्ट प्रोफेशन इज डॉक्टर डॉक्टर पुलिस डांसर बनना। वेरी गुड।
आंसर ठीक हुआ मैं आंसर सर गलत बनाए क्या लगेगा बताते ऐसी बहुत गलतियां मित्रों करो और सब कुछ बताए और सिंगर आपका इधर से आएगा सिंगर अपने परिवार के लिए कुछ करना रिपोर्टर
अपने पैरों पर तो लगभग पूरी क्लास का देखें तो कुछ इस तरह का निकल के आया है। इसको क्या कहेंगे, एक साल का लग, दो साल का लग, कि जिंदगी का जिंदगी का अच्छी है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि पांच साल पहले कुछ और सोच रहे थे कि ये बनेंगे, आज कुछ और सोचने लग गए? तो के साथ तो वही होगा कि दो साल पहले लगता था कि ये बनेंगे, अब लगता है नहीं ये नहीं बनेंगे। जैसे देखेंगे तो इंजीनियर एक है, आज के छह साल पांच साल पहले पूछते थे, आठ साल पहले पूछते तो इंजीनियर का बहुत ज्यादा संख्या आया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ कि दो साल पहले उनको लगता था कुछ और बनेंगे, आज लगता है कुछ और बनेंगे? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो लगभग 40% लोगों को ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य एक समय कुछ था, आज कुछ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि अभी तो कुछ लक्ष्य हमने कह दिया, हो सकता है दो चार साल बाद लक्ष्य कुछ और हो जाएगा? ऐसे कुछ लोग हैं क्या? हो सकते हैं। जैसे मैं आपका बता सकता हूँ, जब मैं आपको तो बताता था लक्ष्य तो मैं एक अच्छा किसान हूँ, तो मेरे पिताजी किसानी करते, आप भी करते हैं, मैं भी घर जाता हूँ तो पिताजी के साथ खेती बाड़ी का सारा काम करता हूँ, मेरे को देख के लगता है मैं किसान टाइप का, इतनी मेहनत की मैं किसान दिखने के लिए। और उसके बाद में देखा कि मेरे ताऊ जी के जो ताऊ जी समझते उनके जो बेटे थे, अभी उनके जो बेटे थे मेरे भैया लगे थे, बड़े भैया, वो इंजीनियर में एडमिशन हो गया उनका एक बार, तो मेरे को एडमिट करना, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। मैं इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बनते बनते वहीं पर मुझे लगता था कि टीचर भी बन सकते हैं, टीचर भी बन गए। तो मैं अपना देखता हूँ तो कई बार बना, जिसमें हमको कई बार लगा था कि हमको कलेक्टर बनना है, तो तीन साल के लिए लगाया था, तो किसान बनना है, किसान से जो है इंजीनियर बनना है, से कलेक्टर बनना है, से टीचर बनना है, फिर वापस लगता है कि नहीं किसान वाला ही जाना था। तो मैं बताऊं तो मेरा तरह से गुण गुण गुण। तो ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को कि आप लोगों का भी लक्ष्य जो है आज कुछ और है, फिर घर जाएंगे मम्मी पापा कुछ और बोलेंगे तो बदल जाएगा, दोस्त वोस्त कुछ और कहीं चल दिए जो आप कह रहे हैं सब मिलकर डॉक्टर बनेंगे, उसमें से चार छह दूसरी दिशा में चल दिए तो हम भी फिर निकल लिए, लेकिन इसकी संभावना तो है, संभावना तो है कि बदल सकता है। लक्ष्य किसे कहा जाए जो बदलता रहे, ये आप फिक्स जहां पहुंचकर हम उसको सिर्फ और सिर्फ बनाए रखना, जहां पहुंच के हम सिर्फ और सिर्फ क्या चाहेंगे कि वो बना है, उसमें कोई बदलाव नहीं। रास्ते क्या होते हैं? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन, तो लक्ष्य है वहां पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के एक ही रास्ते होंगे, कई रास्ते हो सकते, कई रास्ते, तो रास्ते निश्चित रहेंगे कि रास्ते बदल सकते, लक्ष्य जैसे हम अपने लक्ष्य को देखेंगे जो हम जिंदगी में चाहते हैं, जो हमारा चाहना है, जिसको कई बार लक्ष्य कहते हैं, लेकिन मैं लक्ष्य शब्द अभी भी लिखा हूँ, लक्ष्य का अपना मतलब है चाहना, कहते हैं ना हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, अगर इस चाहना को देखें ना तो इसमें तीन बातें छुपी हुई हैं। हम में से बहुत लोग कुछ बनना चाहते हैं और बन करके कुछ करना चाहते हैं और करके कुछ पाना चाहते हैं, सही है? क्या लिखा मैंने? कुछ बनना चाहते हैं, बन के कुछ करना चाहते हैं, करके कुछ पाना चाहते हैं, उससे कुछ और एक चौथी बात और जोड़ सकते हैं, बनने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना पड़ेगा, तो कुछ प्रयास करते हैं तो उससे कुछ बन के कुछ उससे कुछ फाइनली उससे कुछ होना,
रास्ता पूरा करना चाहते हैं? यस सर। किसी ने लिखा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना? यस सर। डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर बनने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा? यस सर। हाई स्कूल करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, इंटर नहीं मैथ से करना पड़ेगा, नहीं बायोलॉजी से करना पड़ेगा, बायो से इंटर करना पड़ेगा, बायो से इंटर करना पड़ेगा, सब जाके कॉम्पिटिशन देना पड़ेगा, कहीं सिलेक्शन होगा तब बनेंगे ना। तो ये क्या हुआ, बायो पढ़ना क्या हुआ? प्रयास। प्रयास ये बनेंगे, बन के क्या करेंगे? क्लास देंगे, उससे क्या पाएंगे? कुछ पैसा पाएंगे, सिर्फ पैसा ही पाएंगे या कुछ सम्मान भी पाएंगे? सम्मान भी, लोगों में प्रसिद्धि भी होगी, होगा। और ये इलाज करके पैसा पाके सम्मान पाके होंगे क्या? सुखी, ऐसे सुखी होंगे कि समृद्ध भी होंगे? कनेक्शन समझ आ रहा है? आप कुछ प्रयास करते हैं, प्रयास से कुछ बनते हैं, बन के कुछ करते हैं, उससे कुछ पाते हैं, फाइनली पाते के क्या हो जाते हैं? सारी चीजें जुड़ी है नहीं जुड़ी? ऐसे देखेंगे जैसे किसी ने कहा पुलिस में, किसी ने कहा डीएम बनना है, किसी ने कहा कि पहचान बनाना है, तो पहचान बनाना है उसमें कहाँ आएगा, करने में कि बनने में? तो मम्मी पापा का नाम रोशन करना, इसको कहाँ लिखेंगे? बनने में, प्रयास में, करने में? जैसे आप देखेंगे तो मम्मी पापा का नाम रोशन करना, नाम रोशन करने में बनना क्या? उसके लिए आप कुछ बनेंगे ना, तो जैसे कोई डॉक्टर बन के मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा, कोई पुलिस बन के करेगा, कोई डीएम बन के करेगा, कोई कुछ बन के करेगा, तो वो जो मम्मी पापा का नाम रोशन करना कहाँ आ जाएगा? करना। उस करने के लिए कुछ बनना पड़ेगा, बनने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और ये सब करके जो आपको अंत में मिलेगा वो क्या मिलेगा? जैसे पुलिस वाले को, तो इसके लिए भी आपको इंटर करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के साथ साथ दौड़ वोड़ में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, खेल कूद में आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सब करेंगे, पुलिस बनेंगे, पुलिस पुलिस बन के क्या करेंगे? क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, है? सुरक्षा करेंगे, उससे क्या पाएंगे? क्या करना पड़ेगा? आईएएस की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, डीएम बने, डीएम बन के करेंगे क्या? और उससे आपको मिलेगा क्या? सम्मान, प्रसिद्धि और पहचान, ये सब मिलेगा। और आप होंगे क्या उससे? ऐसे देखेंगे तो कोई खाना बनाना नहीं चाहता क्या? कोई कोई कपड़े साफ करना नहीं चाहता है क्या? लेकिन ओके, खाना बनाना नहीं चाहते, कपड़े नहीं करना चाहते, घर में साफ सफाई नहीं करना चाहते, घर में साफ सफाई करना चाहते नहीं क्या? लेकिन रोज रोज कभी कभी ऐसा ही ना,
तस्वीर आप देखते होंगे तो आपको लगता है कि वाह, बहुत सारे नाम आपके विचार में ऐसे भी होंगे जो आपको लगता होगा कि ना, उनकी भी स्टिक करेगी। तो अभी आप देखेंगे ना, तो कुछ प्रयास कर रहे हैं आप, प्रयास करके कुछ बंद करके कुछ करके कुछ उससे कुछ खाना, ये लाइन स्पष्ट होंगे। अभी चार चीजों में लक्ष्य क्या है, आप किसको लक्ष्य कहें और किसको रास्ता कहें, लक्ष्य कौन सा और जैसे कहना लक्ष्य हुआ कि पाना लक्ष्य हुआ कि होना लक्ष्य हुआ, लक्ष्य तो ये लक्ष्य, ये सब क्या है, प्रयास करना, बनना, करना, पाना, ये लक्ष्य तक पहुंचने के सारे। तो कुछ प्रयास करेंगे, कुछ बनेंगे, किसी ने डॉक्टर के लिए प्रयास किया, हो सकता है वो बन जाए, हो सकता है कि ना भी बन जाए। तो देश में देखेंगे तो बायोलॉजी से इंटर करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, 200 लाख बच्चे बायोलॉजी से इंटर करते हुए लाख पाने की अगर लाखों बच्चे बायोलॉजी से इंटर किए क्या उसमें से देखेंगे तो 10 लाख 8 लाख डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या सभी बन पाते हैं? 50,000 1 लाख बन पाते हैं, बाकी 8 लाख 9 लाख तो सकते हैं। तो आपने कुछ प्रयास किया, प्रयास करके कुछ बनना चाहता, हो सकता है बन जाए, हो सकता है अगर आप बन गए तो ये तो नहीं दिखती और नहीं बन पाए तो सोच के ही अच्छा लगता है, खराब लगता है। और आपने प्रयास किया 3 साल और नहीं बन पाए तब कैसा लगता होगा, और बगल वाला दोस्त बन जाए आप ना बने तो कैसा लगता होगा, और उसके बाद रोज घर में मम्मी कहे कि देखो तुमने क्या कर लिया, वो वहां चली गई तुम्हारी के जो कहते हैं तो कैसा लगता होगा, और किसी पार्टी में जाए वहां वो सब जो बन गए हैं वो भी आ जाए, आप भी आ जाए, सारे जानने वाले और सब उसको घेरने लगे, उससे बात करने लगे आपकी तरफ कोई देखे भी ना तो कैसा लगता होगा। सिर्फ 10 लाख बच्चे इंटर पढ़े हैं क्या, सिर्फ 50,000 20,000 जो डॉक्टर बन रहे हैं, तो इनको माँ बाप की नजरों में सम्मान पहचान और समाज में लोगों के सामने आप सुख समृद्धि क्या सिर्फ उन्हीं का अधिकार है, बाकी बच्चे जिंदगी भर लोगों के लिए परेशान हो, समस्या कहाँ होगी, समस्या इस जगह होगी कि जो रास्ता है उसको हमको बता दिया गया कि यही आपका कि डॉक्टर बनना आपका, जबकि डॉक्टर बनना लक्ष्य नहीं है, वो क्या है हमारी जिंदगी का एक रास्ता, लक्ष्य क्या है सुखी होना और समृद्ध होना। कई बार लगता है आइडियस बहुत सुखी समृद्ध कभी अगर आप पढ़ते होंगे कि ये आइडियस ऑफिसर डिप्रेस बहुत समझते हैं लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि बन करके ना करें, ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए मात्र आईएएस या डॉक्टर बन जाना ये लक्ष्य है या बनने के बाद भी सुखी समृद्धि को सुनिश्चित करना लक्ष्य है, बीच में रुक गए बंद करके ये और जो होना है वो नहीं हुआ जिंदगी सफल है कि असफल है, तो होता था सुखी समृद्ध, डॉक्टर बनते भी जो है सुखी समृद्ध नहीं महसूस कर रहे तो जिंदगी तो असफल होगी ना, सुखी समृद्ध होना नहीं,
डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पुलिस बनना, डीएम बनना, डांसर बनना, ये डांसर बनना, फैशन डिजाइनर बनना, ये सब क्या है? लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते, वो भी संभावित रास्ते। लक्ष्य निश्चित है और एक लक्ष्य जो सुखी समृद्ध होना हमारा है, वहां तक पहुंचने के सिर्फ एक रास्ता नहीं हो सकता। कितने रास्ते हो सकते हैं? एक रास्ता डॉक्टर बनके वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, पहुंच गए, बहुत अच्छा। नहीं पहुंचे तो खराब लगे या दूसरा रास्ता पकड़ के वहां पहुंचे। जब आप ये मान लेते हैं कि डॉक्टर बनना ही लक्ष्य है और कोई घटना दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया और आप नहीं बनता, आगे की जिंदगी सुखना लगती है, बोझे लगने लगती है। लेकिन अगर ये स्पष्ट है कि वो लक्ष्य नहीं था बल्कि क्या है, और एक रास्ते पहुंचने का अगर अवसर किसी कारणों से भी बंद हो जाता है तो लक्ष्य नहीं खत्म हो गया, रास्ता ही बंद हुआ है। लेकिन एक रास्ता बंद हुआ है और सैकड़ों रास्ते अभी भी, तो हम वहीं रुक करके रोना धोना करेंगे या दूसरा रास्ता पकड़ के पहुंचेंगे? लेकिन पूरी जिंदगी आप अगर यही मानते रहे कि डॉक्टर बनना लक्ष्य है और आप 10 लाख लोग डॉक्टर बनने का प्रयास किए, 20,000 बन गए, बाकी 9,80,000 नहीं बन पाए, पैसा आपका नहीं बन पाया, ये बात तो नहीं हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे तो बहुत सारे बच्चे प्रयास करते हैं कि IIT में हो जाए, यहाँ हो जाए, और उसमें से कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं होता है, नहीं हो जाता है, उनके हाथों और था क्या हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लक्ष्य अब दिल्ली में उनको तो अब क्या ये करना है कि ये बनना लक्ष्य है, करना पाना लक्ष्य है या होना लक्ष्य, और बाकी सब क्या हुआ फिर उसके लिए, और जिस भी रास्ते को आप चुने हैं, एक बार जब ये हो जाता है कि भाई ये एक रास्ता है, एक भय लगता है कि ऐसा नहीं हो पाया तो क्या होगा, डर लगता है कि बनना तो चाह रहे हैं ऐसा नहीं बन पाए तो क्या होगा। अगर ये रास्ता है, ये बात ध्यान में आ जाए, तो डर वैसे ही लगेगा या डर खत्म हो जाता है, तब फिर से आदमी दौड़ पाता है। डर डर के तो पीछे ही पलट के देखता है कौन आ रहा है हराने, सफल होने के लिए भी जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए भी डर के साथ होगा कि डर खत्म करके होगा। तीन बातें एक बात तो ये चर्चा है, इस साल का कुछ लक्ष्य, अगले साल का कुछ लक्ष्य, उसके अगले साल का कुछ लक्ष्य, जिंदगी को देखने का एक ही तरीका है। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी का भी तो कुछ लक्ष्य होगा, हम जो पूरी जिंदगी के लक्ष्य को देखने जाते हैं तो चार बातें छुपी होती है, प्रयास, प्रयास से बनना, प्रयास से बनना, प्रयास से बनना, इसमें लक्ष्य के रूप में कहेंगे तो किसको लक्ष्य के रूप में चिन्हित करेंगे, होना, बाकी सब क्या हुए, रास्ते, और रास्ते समय के साथ फिक्स रहेंगे, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। एक रास्ते से चलने का प्रयास किया, मंजिल तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो जिंदगी खत्म हो गई, रास्ता बदल जाएगा। इस पर आप लोगों को कुछ कहना है, ये बात ठीक लगे? यस सर। मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मेरे ना कहने की बात भी, एक बात कहा बल्कि लिख देना कि मैं बोली कहूंगा अभी से लेकर अगले 6 दिन तक, आज का दिन इंक्लूड करके 6, मैं जो भी कहूंगा क्या करें उसको, और क्या करें क्या कर रहे हैं उसको। लेकिन मैं एक बहुत ही आसान था, मैं जो भी कहने वाला हूँ अगले 6 दिन
अधिकतर एक काम को सीधे करना है। सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? मारना नहीं। अभी तक नहीं सुनते आ रहे हैं तो पहले मारो। अभी तक नहीं सुनते आ रहे ना, तो आपको बड़ी बड़ी करके देखो ये आदमी क्या बात कर रहा है। तो मैं जो भी कहने वाला हूँ क्या करें उसको सोचते हैं कि क्लास को जाकर सब मारना है, मारेंगे नहीं तो मरेंगे क्या? आप मैं कुछ बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ साथ में कह रहा हूँ माने दे ना माने तो क्या करें? फिर क्या करें? क्या करें? जो भी मैं आपसे लेके अगले छह दिन तक बात करने वाला हूँ क्या करें पहले? जाने। नहीं पहला काम के लिए, दूसरा काम जाने। जांचेंगे तो कुछ ठीक लगेगा, जो भी बातें ठीक है कुछ बातें ठीक लगेगी, कुछ बातें ठीक नहीं। जो बातें ठीक लग रही है उस पर अपनी सहमति रख सकते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, और जो ठीक नहीं लग रही है उसको असहमति क्या मुझे ठीक नहीं लग रही। दोनों बात कहेंगे ना, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं लग रही इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको जो है नीचा दिखा रहे हैं, ये मतलब नहीं। दो दोस्त बैठ के साथ साथ पढ़ते हैं, मुझे इस बात को ठीक नहीं लग रही, जब ये कहते हैं तो हमको इस बात का डर बड़ा होता है उसका अपमान हो रहा है ना, बहुत नाराज हो जाएगा, ऐसा बड़े होगा फिर देखे देते ना इसी बात को शुरू हो जाएगा। मैं जो भी कहने वाला हूँ पहला काम को मानूँ, दूसरा क्या करें? जांचे भी तो दूसरों के अधिकार पर कि उन्होंने ये कहा है इसलिए आपकी बात सही है, या अपने अधिकार अपने अधिकार अपने अधिकार आपको ये बात बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के आपको ठीक लग रही है। किस तरह से जांचेंगे? अपने अधिकार, ये नहीं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है इसलिए आपकी बात ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा है इसलिए आपकी बात गलत है, सही गलत अगर दूसरे के आधार पर ठहरा है तो जांच आपने की या नहीं की? नहीं। तो जांच का क्या तरीका होगा? अपने तो जांचे माने नहीं जांचे, और कैसे? अपनी अधिकार, अपनी बल्कि सहज स्वीकृति के अधिकार, सहज स्वीकृति के आधार। तो आप कहेंगे सहज स्वीकृति क्या है? दो बातें करें, तीन बातें, माने नहीं पहली बात, जांचे दूसरी बात। इस जांच में किसके आधार पर? सहज स्वीकृति। सहज स्वीकृति क्या होती है मैं बताएगा, सहज स्वीकृति क्या होती है मैं बताएगा, तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर देखिए आप। जैसे मैं आपसे पूछूं आपको एक है ना, आपको संबंध सहज स्वीकार है कि विरोध सहज स्वीकार है? आपको सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान सहज स्वीकार है? आपको विश्वास सहज स्वीकार है कि अविश्वास सहज स्वीकार है? जो उत्तर आपके अंदर से निकल के आ रहा है उसी को क्या कह रहे हैं? सहज स्वीकार। राजू भैया है हम सबके गार्जियन, भैया भी रहते हैं उनके साथ छह दिन साथ में, आप हैदराबाद से आए कैसे सब लोग? अच्छे हैं। ब्रेक का समय भी इंडिकेट करेंगे तो मैं अपनी बात के हिसाब से 15 मिनट तक 15 मिनट 15 मिनट
ठीक तो हम लोग जो बात कह रहे थे उसको आगे बढ़ा ले। हमने जो बात कही माने नहीं जाते भी कैसे सहज स्वीकृति क्या है जो बिना दबाव के बिना प्रभाव के बिना डर के बिना लालच के जो चीजें हमको स्वीकार होती हैं उसी को क्या कहा सहज स्वीकृति। तो धान के लिए मैंने पूछा विरोध सहज स्वीकार है कि संबंध उत्तर क्या आया ऐसे मैंने पूछा सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान सहज स्वीकार ये उत्तर जो निकल के आया जिस तरह से जहाँ से आपके भीतर से उसी को क्या नाम दे रहे आप कहेंगे आपको सिंपल सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर की तरह अपना कठिन पूछिए बड़ा कठिन पूछू जैसे आपको पढ़ा होगा किताबों में लिख लिख के पढ़ाया जाता है बड़े लोग भी लिखते रहते हैं बड़ों का सम्मान है ये सही लगता है बड़ों का सम्मान करें कि सभी का सम्मान सहज स्वीकार क्या है भले अपने आपके हिस्से लेकर आपकी क्लास तक पढ़ा है कि बड़ों का सम्मान करें लेकिन फिर भी जब सहज स्वीकृति से उत्तर ढूंढने जाते हैं तो उत्तर गलत मिलता है सही मिलता है सभी को सम्मान छोटे का भी और आप कहने के लिए ऐसा खुले हैं बड़ों का सम्मान और छोटों को प्रेम छोटों को स्नेह ऐसा भी तो कहते हैं और पूछ लीजिए अपने से इसे बड़ों को सिर्फ सम्मान चाहिए या उनको सम्मान और स्नेह दोनों चाहिए छोटों को सिर्फ स्नेह चाहिए या स्नेह और सम्मान दोनों चाहिए सहज स्वीकृति से उत्तर निकलता और थोड़ा एक प्रश्न पूछ लेता हूँ किसी बात को जैसे आप किसी कोई आप किसी बड़े को जब बुलाते हैं कहीं पर तो कहते हैं घर आइए जब अपने से छोटे को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते इधर आओ तो ये छोटे को बुलाते हैं इधर आओ उसे सम्मान लगता है अपमान लगता है ठीक उसी तरह से तो जब आपको कहते हैं इधर आओ तो ये सम्मान लगता है अपमान लगता है सम्मान सभी को सहज सिखाए छोटा भी हो या बड़ा भी हो किसी से पूछ के बताया आपने भीतर से किया हम लोग जिंदगी के बहुत सारे प्रश्नों को गहरे गहरे प्रश्नों को इसी तरह से उत्तर वैसे भी देखिए जैसे कोई बात आपसे कहता है तो आप उसकी दसों की दसों बातें स्वीकार लेते हैं या कुछ स्वीकारते हैं कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं स्वीकारते हैं कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं तो ये कैसे तय होता है कि ये वाला स्वीकार लेना है ये वाला नहीं स्वीकार मेरे प्रश्न कुछ निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय कई बार आप अपनी संस्कृति के आधार पर लेते हैं कई बार किसी ने कुछ कह दिया है ऐसी भी ले लेते हैं तो एक तीसरी बात निकल के आई चौथी बात बातें तो पहले कर लेती हूँ लोगों ने मैं क्या रिपीट कर देता हूँ तीनों बातों को चारों चारों बातों का जितना अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया पहली बात तो ये चर्चा किया कि हमारा हर साल कुछ न कुछ लक्ष्य होता है जिंदगी का भी कुछ लक्ष्य है कि तो ये तय हुआ बहुत सारा लक्ष्य आप लोगों ने बनाया फिर दूसरी बात ये कि जिंदगी का लक्ष्य तो देखने जाए तो चार बातें सामने प्रयास बनना करना पाना और चारों में जिंदगी का लक्ष्य किसे कहते हैं तो ये अगर जिंदगी का लक्ष्य है तो ये सब क्या है तो बात ये तीसरी बात ये कहा कि लक्ष्य तो निश्चित रहता है लेकिन रास्ते किसी एक रास्ते में अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया डॉक्टर बनने का डीएम बनने का पहुंच गए बहुत अच्छा खूब मेहनत किया पहुंच गए बहुत अच्छा नहीं पहुंच पाए तो लक्ष्य खत्म हो गया रास्ता खत्म हो गया दूसरे रास्ते से पहुंचेंगे
प्रतिदिन मानते। चौथी बात पे हम लोग क्या कहा, जो भी बात हम लोग मानते वाले हैं तो अल्लाह काम क्या करे, माने नहीं, नहीं माने तो क्या करे, जांचे, जांचे विधि का आधार पर अपने फैसले के आधार पर। चार बातें, पांचवी बात हम लोग ये कि खास स्थिति को हम अपने अंदर पहचान सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पांच प्रश्न पूछे, उसके उत्तर जो आपके भीतर से आ रहे थे उसी को आप क्या कह रहे थे, सह स्वीकृति। पांच बातें उन्होंने इस सत्र में किया, ठीक है। इन पांचों बातों में कोई आपसे असहमति हो, कोई कठिनाई हो, कोई आपको ऐसा लगता हो कि नहीं हमको इस बात नहीं स्पष्ट हो रही है, तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते, और आपको जो ठीक लगे उसको भी कहें, है ना। अगर क्लास ऐसे चलेगा कि दो लाइन में बोल रहा हूँ तो चार लाइन आप बोल, तब लगता है कि दोस्ती में क्लास चल रही है, और छह की छह लाइन में बोल रहा हूँ तो नहीं लगता दोस्ती में क्लास चल रही है, लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर दो लाइन में बोल रहा हूँ तो तीन लाइन आप बोल रहे, तब लगेगा कि दो दोस्तों के बीच में क्लास चल रही है। तो ठीक है, तो कोई प्रश्न आप लोगों की तरफ से, कोई बात जो पांच बातें हम लोगों ने की इसमें कोई बात तो ऐसी होगी जो बहुत अच्छी लगी होगी, कोई बात ऐसी लगी होगी कि नहीं तो आगे समझ में नहीं आ रहा, तो जो बहुत अच्छी लगी होगी कौन सी बात, पांच बातें हम लोगों ने की लग रहे हैं, पांचों में सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो कौन सी बात। दूसरे नंबर पर जो ठीक बात है, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान क्या बड़ों का कि सभी का, सभी का। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर ठीक बात कौन सी लगी, मान है, नहीं जांच है, खुल के एकदम, और जांचने में अगर बात गलत लग रही तो चुपचाप कह दे रहे हैं कि कह दे कि नहीं ठीक नहीं लगी, कह दे, तो गलत बात करके देखो, साइंस वगैरह वाले सत्र में नहीं आए तो समझ लेगा, सही है ना, अच्छा लगा, खराब लगा, खराब, क्यों खराब लगा, समझ लेना, ये खराब क्यों लगा, क्योंकि इसमें आपका अपमान, क्या हुआ, अपमान, तो उस बात से आपका अपमान हुआ, इसलिए इस बात को कैसे कह सकते हैं, हम उस समय से आ जाएंगे तो समय से चर्चा शुरू कर पाएंगे, आज इसमें सम्मान होगा, अपमान होगा, सम्मान, अंतर समझ आ रहा है, यस सर, अपमान होगा क्यों खराब लगा, क्योंकि अपमान आपको सहज स्वीकार नहीं है, सम्मान वाला क्यों चल रहा है, क्योंकि वो आपको सहज स्वीकार, सामने वाला कोई ऐसी बात करता है या ऐसा व्यवहार करता है जो कि आपको सहज स्वीकार है तो आपको कैसा लगता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात करता है जो कि सहज स्वीकार नहीं है तो उन्हें कैसा लगता है, जो अच्छा खराब नहीं लगता है तो भी किससे लूटा जाएगा, स्पष्ट हो रही है, छठी बात कि जब भी कोई सहज स्वीकार बात हमसे पेश करता है या सहज स्वीकार तरीके से हमारे साथ चर्चा करता है तो हमको अच्छा लगता है, सुखी महसूस करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात कर दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे, कोई ऐसा भाव व्यक्त कर दे जो हमको सहज स्वीकार नहीं है तो कैसा लगता है, खराब लगता है, इसी को क्या कहते हैं, सहस्कृति के अनुसार बिताव करना, तो जो सहस्कृति के आधार पर जब कोई हमारे साथ जीता है हम जीते हैं तो उसे सुख मिलता है, और कोई ऐसा जीता है ऐसा व्यवहार करता है जो सहज स्वीकार नहीं है तो उसी से दुख होता है, दुख होता है, दिख रहा है अक्सर, तो दिन भर में तो कई बार ऐसा होता होगा कि सामने वाला ऐसा व्यवहार कर देता होगा जो आपको सहज स्वीकार नहीं है, तो दुखी करता है, कई बार उस दुख को हम व्यक्त कर पाते हैं, कई बार सर झुका के अंदर ही अंदर सर झुका दिए भले हम ना बोले लेकिन वो दुख अंदर अंदर चलता रहता है, खत्म हो जाता है, उपलब्धि होती रहती है,
बड़े जो हमारा अपमान कर देते हैं तो घुटन होती रहती है, तो छोटा भाई आता है तो वो वहां निकाल देते है ना। तो यहाँ टीचर ने अपमान करके भेजा, घर जाके किसको निकालते हैं, घर से हम पानी खोल के आए तो यहाँ आके सुबह खेलते कूदते हैं तो छोटी क्लास वाला कोई पकड़ के आ गया तो बाहर निकाल देते हैं। ये सब ध्यान साफ करते ही लेकिन एक बात तो है कि अगर कोई भी ऐसी बात या ऐसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है जो हमको सहज स्वीकार नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति से कोई ऐसी बात हो, ऐसा व्यवहार हो, जो हमको सहज स्वीकार है, जब ऐसा हमारे साथ हो रहा होता है चाहे कितना ही छोटा आदमी को न करे, हम उससे क्या होते हैं, सुखी होते हैं। इसका उल्टा भी है, जो बात आपको सहज स्वीकार है जब आप वैसा करते हुए दूसरे के साथ करते हैं तो उससे आप भी सुखी होते हैं और जैसे मैंने कहा कि हम लोग ब्रेक के बाद समय से आ जाए ताकि उस पर क्या कर सकते, जब हम वैसा नहीं जीते तो जिसके साथ वैसा नहीं जी रहे वो भी दुखी होता है और हम भी दुखी होते, और जैसा सहज स्वीकार होता है जब वैसा जीते हैं तब क्या होता है, हम भी सुखी होते हैं और आपसे लेके कब तक जाते हैं कमरे का छठे दिन तक, और ऐसा 10 बार जब जांच में आ जाएगा कि अली जो दुखी हो गए इसलिए क्योंकि शहर के काम नहीं है, तब ये बात सही मानी जाएगी, या 10 बार आपने ये देख लिया कि दुखी हुए क्योंकि सहज स्वीकार है इसलिए ये बात सही है, इसको जांचते रहना मानना नहीं, ठीक है। इस तरह से विकास चलाया जाएगा तो चल जाएगा, देख करके हम लोग 20 मिनट बाद वापस आएंगे।